हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत से फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे जो है मॉर्निंग में छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन करते हैं। ये आपका मॉडल पेपर एक टाइप का, ठीक है जी। यहाँ पे पूरा डिटेल से पढ़ें, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री हो जिसमें आपका मेंस का एग्जाम हो, व्यापम के कोई भी एग्जाम हो जिसमें हॉस्टल वार्डर प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ पुलिस, तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किया गया, किसी न किसी अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो एक तरह का जो आपका जो तैयारी इसमें जो और इसको जो आप बेटर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो बढ़िया, अभी जो चुनाव आचार संहिता वगैरह है, इसके बाद सारे जो एग्जाम आप सारे एग्जाम जो आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है जी। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा, कम से कम डेली बेस पे, कम से कम चाहे 2 घंटा 4 घंटा वो डेली बेस पे पढ़ा करिए, ठीक है। यहाँ पे जो है, और कम से कम वीकली संडे को कम से कम रिवाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो संडे को कम से कम रिवाइज ज़रूरी है, जितना आप पढ़ें उसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कौन सी जो सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखती है। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है जो सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखती है। बैगा जनजाति, भोंजिया जनजाति, कमार जनजाति या भतरा जनजाति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भतरा जनजाति, ठीक है जी। तो भतरा जनजाति, ये छत्तीसगढ़ की जो भतरा जनजाति है, जो सामाजिक दृष्टि सबसे उच्च स्थान रखती है, भतरा जनजाति, ठीक है। भतरा जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ करती है। तो बस्तर, जो खास करके जो भतरा जनजाति आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत निवास करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, भतरा का मतलब ये आपका सेवक होता है, ठीक है। तो सेवक का कार्य इन लोग करते हैं। इन लोग को जो है नाम से पता चल रहा है, इन लोग जो है भतरी भाषा का उपयोग करते हैं। भतरा जनजाति द्वारा शिकार देवी की पूजा करते हैं, माती देव के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। लगभग 14वीं शताब्दी में, ठीक है, 14वीं शताब्दी में जो काकती वंश के संस्थापक राजा अन्नमदेव के साथ वारंगल बस्तर आए हुए थे, इसी जनजाति में जो है भतरा नाट बहुत ही प्रसिद्ध है आपके, क्योंकि पीएससी प्री में 2018 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी। तो पीएससी प्री में जो है भतरा नाट जो है किस जनजाति में किया जाता है, ऐसा करके आया हुआ था, तो भतरा जनजाति में किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति में, ठीक है जी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है। तो घोटुल क्या चीज़ है, तो कौन से जनजाति में घोटुल पाया, तो युवा गृह है, ठीक है, युवा गृह, ठीक है। अलग अलग जनजाति को अलग अलग युवा गृह पाई जाती है, ठीक है जी। जिसमें मैं छत्तीसगढ़ की जनजाति कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, पूरा डिटेल के साथ पढ़ना है, प्ले लिस्ट आप जाइए, वहाँ से पढ़ चुके हैं हम, लगभग 7 से 8 पार्ट अपलोड किया हूँ। इसके बाद जनजाति के बाद मैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, छत्तीसगढ़ की जितने भी नदियाँ उसको मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। वो भी 7 से 8 पार्ट में पूरा डिटेल आप पढ़ लेंगे, तो कहीं भी सोर्सेज को अपनाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे पूरा डिटेल से मैं कवर करा। अभी जो है छत्तीसगढ़ के अभ्यारण राष्ट्र उद्यान को पढ़ा रहा हूँ, 1-2 पार्ट और आ गए, तो उसके बाद भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। तो कौन से जनजाति में घोटुल पाई जाती है, मुरिया, हल्बा, माड़िया या धुरवा जनजाति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुरिया जनजाति। मुरिया जनजाति को मुड़िया भी बोलते हैं, ठीक है जी, ऐसा भी आए तो ऑप्शन यहाँ पे लसा, मुड़िया को ही मुरिया जनजाति बोलते हैं। इसी जनजाति में घोटुल पाया जाता है, ठीक है। खास करके जो है बस्तर क्षेत्र में लोग जो है निवास करते हैं, निवास क्षेत्र है, इनके मकान को वैडुकुर्मा बोलते हैं, और इनके युवा गृह को घोटुल पाया जाता है, मतलब घोटुल पाया जाता है मुरिया जनजाति में, ठीक है जी। और सल्फी क्या चीज़ है, तो सल्फी इनके जो है पेय पदार्थ है। इन लोग कृषि कौन सी करते हैं, तो पेद्दा खेती इन लोग करते हैं। बाइसन हार नृत्य सुने होंगे, इसी जनजाति में किया जाता है, मुरिया जनजाति में। और मुरिया जनजाति इसको पूछ सकते हैं कि जो है बाइसन हार नृत्य किया जाता है, साथ ही साथ गौर नृत्य भी करते हैं, जो भैंस के सिर के समान टोपी पहन के जो है नृत्य को किया जाता है, ठीक है, पहनकर नृत्य करते हैं। किस समय किया जाता है, यात्रा पर्व, यात्रा पर्व के दौरान इसको किया जाता है। माड़िया का जो उपशाखा दंडामी माड़िया द्वारा भी नृत्य किया जाता है, और इस नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व के सबसे जो है सुंदर नृत्य इसको कहा गया। कौन से नृत्य को, बाइसरहान नृत्य को, ठीक है जी। इसमें जो उनके ऊपर पुस्तक भी लिखी, द गौर एरवे वेरियर एल्विन द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है, द गौर करके, ठीक है जी। तो आपको इसको याद रखना है। और इस प्रजाति के लोग जंगल में जो है अलग अलग झोपड़ी बनाकर जो है रहते हैं, जिसको हम सिहारी बोलते हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता
प्रतिशत कौन से जनजाति में है? मुरिया जनजाति, भतरा जनजाति, हलबा जनजाति या कोरवा जनजाति सर्वाधिक साक्षरता बोला जा रहा है? तो सबसे साक्षरता जो है तो आपका हलबा जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जो जनजाति हलबा जनजाति है। हलबा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है? तो बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद इन जिलों में, इन क्षेत्रों में जो है हलबा जनजाति निवास करती हैं। इनकी जो बोली कौन सी होती है? तो हलबा से हलबी भाषा। ठीक है, हलबी भाषा का जो है इन लोग के जो है प्रमुख बोली है। ठीक है, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग बोली बोली जाती है। इन लोग जो है मुख्य व्यवसाय कृषि काम करते हैं। ठीक है, कृषि कार्य करते हैं मुख्य व्यवसाय, साथ ही साथ पोहा चिवड़ा बनाने का भी इन लोग काम करते हैं। एक बार जो प्री में क्वेश्चन पूछा गया कि जो है कौन सा काम करते हैं ऐसा करके, तो पोहा चिवड़ा बनाने का काम भी करते हैं। आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति और सबसे साक्षरता प्रतिशत वाला जनजाति है हलबा जनजाति। ठीक है जी, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र, मतलब छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी या कोरिया जिला। तभी बताया हूँ खास करके जो है भतरा जनजाति बस्तर जो है संभाग के अंतर्गत निवास करते हैं। ठीक है, भतरा का मतलब आपका सेवक होते हैं, अभी बताया मैंने। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखिएगा। इसी में जो है भतरा नाट प्रसिद्ध है, इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ गया है एक बार। तो भतरा नाट जो है भतरा जनजाति में प्रसिद्ध है, इसी जनजाति में किया जाता है। ठीक है जी, इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंझवार का निवास क्षेत्र, मतलब बिंझवार जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में कौन से जिला में निवास करते हैं? तो बिंझवार जनजाति धमतरी जिला, ये आपका जो है ये आपका बलौदा बाजार है। ठीक है जी, बलौदा बाजार। तो बिंझवार जनजाति निवास धमतरी जिला, बलौदा बाजार, कबीरधाम, कवर्धा या सरगुजा जिला में निवास करते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलौदा बाजार। ठीक है जी, तो बिंझवार जनजाति जो है आपके बलौदा बाजार, सोना खान सुने होंगे, पढ़े भी होंगे बुक में। तो बिंझवार जनजाति बलौदा बाजार सोना खान क्षेत्र में निवास करते हैं। विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इनको जो है बिंझवार कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो बोली कौन सी बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं। ठीक है जी, और इनके जाति चिन्ह क्या चीज़ है? तो जाति चिन्ह तीर है, इसको याद रखना है। तीर विवाह इसमें जो है बिंझवार जनजाति में होती है, सामान्य विवाह भी होता है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखिए। इनके प्रमुख देवता बारह भाई बैठकर इनके जो है प्रमुख देवता है। ये जो है विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग उनके देवी देवता का महत्व होता है, तो ये विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। और सोना खान बलौजा बाजार के वीर पुत्र सभी जानते होंगे, शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित थे। मतलब जो है ये आपको जो बिंझवार जनजाति के थे वीर नारायण सिंह जी। ठीक है जी, आप इसको याद रखना क्योंकि यहाँ से लगभग 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूमकुरिया, ठीक है, धूमकुरिया जो है किस जनजाति का युवागृह है? उरांव जनजाति, मुरिया जनजाति, भाटिया जनजाति या कमार जनजाति है? तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धूमकुरिया जो है किसका युवागृह है? तो उरांव जनजाति का युवागृह है। और उरांव जनजाति की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ करती है? तो ये आपका जो है सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ इन जिलों में निवास करती है। ठीक है जी, और इनके जो है धूमकुरिया ये जो उरांव जनजाति के युवा गृह को बोलते हैं। ठीक है जी, जिसके मुखिया को धांगर महतो बोलते हैं। ठीक है, धांगर महतो, ये सभी को याद रखिएगा। इनके जो मुख्य देवी देवता होते हैं उसको जो है सरना देवी, क्योंकि एक बार पूछ चुका है, इनके जो प्रमुख देवती देवता होते हैं देवता है जिसको सरना देवी बोलते हैं। नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरहुल नृत्य सुने होंगे, सरहुल नृत्य। ठीक है, तो सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य, ये जो दोनों नृत्य सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो उरांव जनजाति में नृत्य को करते हैं। इनकी बोली भी इंपॉर्टेंट है, उरांव जनजाति से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन लोग जो है कौन से बोली प्रयोग करते हैं? कुरुख बोली। ठीक है, कुरुख भाषा का जो है इन लोग उपयोग करते हैं। गांव के प्रमुख को मांझी बोलते हैं। इनके जो खट्टी, सरहुल, फाग वगैरह जैसे पर्व इन लोग मनाते हैं। नित्य अलग है, सरहुल नित्य, कर्मा नित्य अलग है। ये जो पर्व की बात कर रहा हूँ तो खट्टी और सरहुल फाग वगैरह जैसे पर्व इन लोग मनाते हैं। इनके जो पारंपरिक पोशाक, ठीक है, पारंपरिक पोशाक करिया बोलते हैं, करिया। ठीक है, ये खास करके त्यौहार कर्मा त्यौहार इसी जनजाति द्वारा मनाई जाती है। ये जो है सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, एक बार पीएससी प्री 2016 के पेपर में पूछा गया सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति है? तो आपका जो उरांव जनजाति है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है।
उरांव जनजाति से लगभग पीएससी में 3 से 4 बार जो है क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देख सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, पूरा डिटेल से जनजाति आप पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा पढ़ाया हुआ हूँ मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या सरगुजा। तो कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है, तो अभी बताया मैंने जो है बस्तर संभाग के अंतर्गत जो है कमार जनजाति निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है। सभी को पता होगा, पेपर में भी आया हो लगभग 2 से 3 बार। वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक वल्लभाचार्य के जन्म स्थल है राजिम, चंपारण, आरंग या रतनपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक वल्लभाचार्य के जो जन्म स्थली कहाँ है, तो ये आपका जो है चंपारण है, ठीक है। चंपारण जो है आपका रायपुर जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। इसको याद रखें, प्रसिद्ध वैष्णव संत के जो वल्लभाचार्य के जन्मस्थली है, यहाँ पे जो है चमकेश्वर महादेव का मंदिर है, ठीक है। चमकेश्वर महादेव का मंदिर दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे रायपुर के अंतर्गत जाएंगे तो दूधाधारी मठ, ठीक है, जो भलभद्र दास ने निर्माण करवाया था। चंद्रखुरी जहाँ भगवान राम की माता कौशल्या का भी मंदिर है, इसको जो है चंद्रखुरी धाम के नाम से आप जानते हैं। आरंग जाएंगे, आरंग में जो है मंदिरों के नगरी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, ये आपका रायपुर में फेमस है आरंग। चंपारण बता दिया, रायपुर में हटकेश्वर मंदिर है जहाँ पे रामचंद्र देव ने कलचूरी वंश के शासक इन्होंने जो है मंदिर को बनवाया था। श्री अधौरी मठ है रायपुर में, और बहुत सारे जो है यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है जी। आपको तो इसको याद रखना है। यहाँ पे जो है राजिम है, तो राजिम भी आपका जो है यहाँ से जो है राजीव लोचन मंदिर, जो विलास तुंग ने मंदिर को नलवंशी शासक बनवाया था, ठीक है जी। और राजू लचन जो भगवान विष्णु जी के मंदिर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। कुलेश्वर महादेव का मंदिर है राजिम में, ठीक है। तो महान ये आपके जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। ये राजिम जो शहर है कौन से नदियों के किनारे बसा हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको आना चाहिए महानदी, पैरी नदी और सुंदूर नदी, ठीक है। इन तीनों नदियों के संगम पर आपका जो है बसा हुआ है राजिम शहर, ठीक है। रतनपुर से भी, जहाँ पे रतनपुर में माता महामाया का मंदिर है, ठीक है जी। तो उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन है। कबीर पंथियों का धर्मनगर किसको कहा गया है, गरियाबंद जिला को, दामाखेड़ा को, अमरपुर को या बगीचा को। तो कबीर पंथियों का धर्मनगर दामाखेड़ा को कहा गया है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा, ये जो है कबीर पंथियों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक जी। कबीर पंथियों का एक छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार के अंतर्गत आती है दामाखेड़ा। तो कबीर पंथियों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यहाँ पे जो सर्वप्रथम जो कबीर पंथियों के जो 12वें जो वंश गुरु जो उग्र नाम साहब के द्वारा यहाँ पर कबीर मठ की स्थापना किया गया थे 1903 में, ठीक है जी। इसीलिए यहाँ पे जो है बलौदा बाजार दामाखेड़ा जो है कबीर पंथियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इसको कहा गया है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है, जो आपका बलौदा बाजार जिला के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा छत्तीसगढ़ का, कांगेर घाटी, कुटरू, इंद्रावती या संजय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो है सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी। नेशनल पार्क क्यों बनाया जाता है, तो ये खास करके केंद्र स्तर पर जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा, तो जितने भी वन्य जीव है उनके जो है संरक्षण के लिए, बचाव के लिए जो है केंद्र जो है यहाँ पे जो है उनको बनाई जाती है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1982 में 1982 में स्थापना किया गया था। कहाँ पर, ये आपका बस्तर में स्थित है, ठीक है जी। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी जैसे जीव जंतु इसमें पाई जाते हैं, ठीक है। वन्य जीव प्रमुख जीव पाई जाते हैं। ये हमारा राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसको आपको याद रखना, कांगेर घाटी के बीचों बीच जो है कांगेर नदी बहती है, इसी के नाम पर जो है कांगेर घाटी आपका पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजकीय जो पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ कांगेर घाटी में कुटुंबसर गुफा आपका जो स्थित है, जहाँ पे जो है अंधी मछली संकराई नाम है इसका पाई जाती है, ठीक है जी। इसको याद रखिए, बाकी पूरा डिटेल के साथ अभी मैं अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़िए, जाकर डिटेल से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सरगुजा, बस्तर,
रायगढ़ या रायपुर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर का कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो है एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बाकी इसके बारे में अभी पढ़ रहा हूँ आपको। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, मटासी मिट्टी या कन्हार मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी। ठीक है जी, जिसको हम मटासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन सी फसल की जाती है? तो धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन वगैरह जो है लाल पीली मिट्टी में ये फसल लगाई जाती है। इसमें चूना की जो है मात्रा प्रधानता इसमें पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखें, मध्य भाग और उत्तरी भाग में छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है मटासी मिट्टी, इसी को ही लाल और पीली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। आज के लिए सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।